गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोगों की संक्रांति कैसी कटी? आज मकर संक्रांति का दिन है, यानी आज के बाद हमारे पूरे यूनिवर्स में सूरज की रोशनी जो है वो तेज हो जाती है। हम मकर संक्रांति का फेस्टिवल इसीलिए मनाते हैं ताकि भगवान जी हमारे चारों तरफ के जो अंधेरे हैं वो बिल्कुल दूर कर दे। सो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन का दिन है तो हमने प्लानिंग बनाया है आज नाइट पिकनिक जाने का। तो मेरे इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो वो मेरे चैनल बी विद मून को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक दें। ब्लॉग शुरू करने से पहले मैंने यहाँ गर्म पानी कर लिया है और पहले मैं स्टीम लूंगी। अभी चारों तरफ का वेदर बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, इसीलिए रोजाना स्टीम लेना बहुत ही जरूरी हो गया है। मेरी ननद ने कुछ चीजें इस मकर संक्रांति में मुझे भेजा है, तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। यहाँ है दो तरह का पीठा। पुराण के अनुसार राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम में आए थे, जहाँ माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। उस दिन मकर संक्रांति का दिन था, जहाँ आगे जाकर माँ गंगा सागर में मिली और उस जगह का नाम पड़ा गंगा सागर, जो कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना कोलकाता जिला में पड़ती है। आज के दिन हमारे वेस्ट बंगाल में चावल से एक रेसिपी बनती है जिसका नाम है पीठा, और इस पीठा में तिल, खोया, नारियल से फिलअप किया जाता है और स्टीम करने के बाद गर्मा गर्म खाया जाता है। ये है खजूर का गुड़, जैगरी, खजूर प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट होती है, ये एकदम ओरिजिनल है। सो मैं जरूर खाऊंगी। तो आज मैं इन सबसे करने वाली हूँ लंच, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका था, उसके बाद ये सब सामान आया है, पेट पूरा भरा हुआ है, अभी खाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मकर संक्रांति का ये फेस्टिवल हमारे वेस्ट बंगाल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और अब मैं ये पीठा को खजूर गुड़ के साथ खाऊंगी जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए मैं शुरू करती हूँ पहले कुकिंग, क्योंकि पिकनिक में जा रही हूँ और घर का खाना खाना ही बिल्कुल ठीक रहेगा। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म पराठे, और उसके बाद मैं बनाऊंगी पनीर गोभी आलू की सब्जी, और उसके बाद मैं नेक्स्ट बनाऊंगी आज मटन करी। मैं डाल दूंगी मटन के स्टॉक को। सो रेडी है यहाँ मेरी मटन की करी, और अब हम आ गए हैं नाइट पिकनिक में। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस बार 2 जनवरी से ही हमारे वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन पड़ गई थी, तो हम कहीं दूर इस बार जा नहीं पाए पिकनिक में। तो मकर संक्रांति के दिन हमारी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना सामने ही एक पार्क में हम मकर संक्रांति के दिन नाइट पिकनिक करें। तो फ्रेंड्स, इस बार की मकर संक्रांति बहुत ही मेमोरेबल रहा हमारे लिए, बच्चों को बहुत ही मज़ा आया, डांस, गाना, मस्ती और साथ ही गर्मा गर्म खाना जो कि बहुत ही टेस्टी फूड था, हमें बहुत ही मज़ा आया इस बार। सो मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और हाँ, मेरे चैनल बी विद मून को सब्सक्राइब करना ना भूलें।